दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के नए वी लोग में। दोस्तों अभी है ना शाम के 6:45 और 6:45 मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि दोपहर को मैं घर पे नहीं था। अभी मैं घर पर आया था दोपहर के बाद, तब लेकिन मेरा थोड़ा काम था। कल का जो वीडियो मैंने शूट किया था वो भी अपलोड करना भी बाकी था, एडिट भी थोड़ा बाकी था, थंबनेल भी एडिट करना बाकी था, तो सब मैंने काम निपटा के वीडियो को अपलोड यूट्यूब पर कर दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपको पूरे का पूरा देखना है, उसके बाद ही वो वीडियो देखने जाना। दोस्तों अभी है ना आपको बता दूं, और आपको पता भी होगा कि 2-3 दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आ रही है। तो गणेश चतुर्थी आ रही है तो सभी सिटी में, सभी जगह पे, सभी गांव में, सभी जगह पे दोस्तों गणेश जी की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से हो रही होगी। तो जामनगर में भी गणेश चतुर्थी की है ना जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। तो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना गणपति जी के इतने बड़े स्टॉल लग चुके हैं, जहां पर गणपति जी विराजमान तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन वहां से हर कोई लोग है ना गणपति जी को घर पर लेके जाने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि है ना जो भी कोई लोग बिजनेस करते हैं, तो है ना अभी सीजन में जो भी बिजनेस करते हैं उसका अभी है ना टाइम हो चुका है। तो अभी गणपति जी का फेस्टिवल आ रहा है, तो सभी लोग है ना जो भी गणपति जी की मूर्तियां बनाते हैं और उसको है ना बेचते हैं, तो अभी सभी लोग वहां से अपनी मूर्तियां खरीदेंगे, अपने घर पे लेके जाएंगे और जोरों शोरों से गणपति जी का आगमन करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको देखना है कि जामनगर में कैसी तैयारियां चल रही है। मैं भी थोड़ा बाहर जा रहा था, मुझे काम था, तो मुझे सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत भी कर देता हूँ, मेरा काम भी निपटा के आ जाऊंगा और आपको कहाँ पर मूर्तियां बिक रही है, कहाँ पर मूर्तियां लगी हुई है, कैसी मूर्तियां है, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको भी इस वीडियो में बना रहना है लास्ट तक। चलिए हम देखते आते हैं कि कैसी चल रही है जामनगर में गणपति जी की तैयारियां। तो निकल गए घर के बाहर। आज ना धूप इतनी नहीं थी, बारिश जैसा मौसम था, फिलहाल वापिस बारिश जैसा मौसम हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर अभी है ना आगा ही है बारिश और अभी आगे देखने को मिलेगा जामनगर का मिलिट्री स्टेशन। देखिए अभी आ गए वो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पर अभी जब है ना सभी लोग अपने घर पर गणपति जी की मूर्तियाँ को लेकर जा रहे हैं, और कई सारे लोग कल भी लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ जाना अभी स्टॉल लगना चालू हो गया है, तो मैं अभी आपको स्टॉल दिखाऊंगा कि कहाँ पर कैसी मूर्तियाँ मिल रही है, और छोटी बड़ी, और भाई साहब बहुत ही है ना जबरदस्त मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं वो अभी पीछे का नज़ारा आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से सब स्टॉल चालू हो गए हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं यहाँ पर, देखो बना भी रहे हैं, अभी यहाँ पर ही बनाकर यहाँ पर ही बेच देते हैं। देखिए ये है मिट्टी की मूर्तियां, जिसको हम घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं, हमको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, और पर्यावरण को भी अच्छे से उसको रखेंगे। पर्यावरण को अगर हमको नहीं वो करना है तो फिर घर पर ही विसर्जन कर देंगे। तो देखो ये सबसे बड़ी बड़ी, यहाँ पर है नगाड़े और ये है मूर्तियाँ। अभी जो मैं मूर्ति आपको दिखाऊंगा वो यहाँ पर जामनगर की सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियां है, तो मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये है अपने यहाँ पर के भैया, हम इससे ही जानेंगे कि ये सब मूर्तियां कैसे बनाते हैं। देखिए चलिए, ये अभी बेचा है दोपहर को, ये भी बेचा है अभी, ये बात, ये सबसे बड़ी मूर्ति है जामनगर की, सबसे बड़ी वाली। देखिए कैसे जबरदस्त लग रही है, और एक से बढ़कर एक यहाँ पर है ना हमको अलग अलग वैरायटी में गणपति जी की मूर्तियाँ मिलेंगी। हम दिखाते नहीं है आप, वो जब घर पे जाएंगे उसके बाद ही ये सब ओपनिंग होगा। ये भी जबरदस्त मूर्ति लग रही है, देखो जिसके भी ऊपर कपड़ा ढका हुआ है ऐसा बुक हो चुकी है, ये कल लेने आएंगे। इसको भी देखो ऐसे ढक देंगे और घर पर जाकर ही उसको ओपन करके फिर उसकी पूजा वगैरह करेंगे और 7 दिन धूम मचाएंगे, ठीक है ना।
और आप लोग जामनगर से है और जामनगर में से आपको यहाँ पर आकर आपको मूर्तियाँ लेनी है तो आपको नंबर दे रहा हूँ, भैया भी आपको नंबर देंगे तो आप यहाँ पर आकर अपनी मूर्ति प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो चलिए उस भैया से आपको मिलवाता हूँ। तो भैया अपना नंबर बोल देंगे, भैया अपना नंबर बोलिए, मोबाइल नंबर। मेरा नंबर है 57 59 56 54 30। ठीक है, जो भी यहाँ पर आना चाहिए रणजीत सागर रोड पर, ये मूर्तियाँ का पूरा आपको कलेक्शन मिल जाएगा। आप अपने घर पर जाकर इसको अच्छे से पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो बस जो चाहिए वो सब मिल जाएगा सर, आप जो मूर्ति बना सबसे हो तो वो भी बना के देंगे आपकी मूर्ति। और आपको अपनी पसंद की मूर्तियाँ बनानी हो तो भी ये भैया आप यहाँ पर आपको बना कर देंगे, आप अपना फोटो लेकर आओ और आपको जिस तरह से उसकी आपको अपनी मूर्तियाँ बनाना हो तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करिएगा। और मिट्टी की मूर्ति चाहिए तो भी मिल जाएगी, देखो यहाँ पर पूरे पीछे मिल रही है मिट्टी की मूर्ति जिसको हम घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सब मूर्तियाँ मिट्टी से बनी हुई है, 100% मिट्टी, हम इसको घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है इको फ्रेंडली, 100% मिट्टी से मूर्ति बनी हुई है। ये सब मिट्टी से बनी हुई है और हम घर पर डेकोरेट करने का जरूरत ना पड़े इसलिए देखो ये भी मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी बाहर गया था तो वहाँ पर से सब काम निपटा के और आपको जो गणपति जी की तैयारियाँ जामनगर में हो रही है वो दिखा कर घर पर आ चुका हूँ। शाम का वक्त है और यहाँ पर छत पे खड़ा हूँ और यहाँ पर है ना अभी घंटिया की आवाज़ सुनाई दे रही है, सभी घरों में अभी पूजा वगैरह हो रही होगी और बगल में ही एक मंदिर है तो वहाँ पर भी पूजा वगैरह हो रही है तो वहाँ पर भी जो घंटिया बज रही है उसका आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। देखो सुनो, बस ऐसे ही लाइफ होनी चाहिए, शाम को कुछ भी शराबा हमको नहीं चाहिए होता है और बस ऐसे ही हमको है ना आवाज़ सुनाई देनी चाहिए बस। तो यहाँ पर है ना जामनगर में ऐसी तैयारियाँ चल रही थी गणपति जी की, आपके वहाँ पर कैसी तैयारियाँ चल रही है कमेंट में आप लिखकर बताइएगा। और यहाँ पर है ना जामनगर में इतनी बड़ी बड़ी भी मूर्तियाँ नहीं होती जिसको क्रेन से उठाकर है ना विराजमान करना पड़े, जहाँ पर भी हमने गणपति जी की स्थापना की हो वहाँ पर, जैसे सूरत में होता है, जैसे मुंबई में होता है, जैसे कि खास कर मुंबई में होता है लाल बादशाह जो राजा होते हैं, लाल बादशाह के राजा वो जो कितनी बड़ी मूर्ति होती है उसको है ना क्रेन से उठाकर लेकर आना पड़ता है, वैसी टाइप की मूर्ति यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन मूर्ति छोटी हो या बड़ी सब में है ना गणपति जी का वास होता है और सब है ना दिल से उनको घर पर लेकर आते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। तो बस ऐसे ही फेस्टिवल का है ना इन्जॉय करते हैं, आप भी करिएगा मैं भी करूँगा और सब है ना मिलजुल के हम इंडिया में है ना गणपति जी को लेकर आएंगे। तो बस यहाँ पर ही वीडियो का एंड कर रहा हूँ और खाने में अभी बना है भिंडे की सब्जी रोटी और साथ में है दाल चावल, तो बस मस्त इन्जॉय करते हैं खाकर और उसके बाद सो जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये वीडियो का एंड कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।